दानिश जी बोल रहे हैं जी। जी नमस्कार। नमस्कार दानिश जी, कैसे हैं? सब बढ़िया, आशीर्वाद है आप। मेरा दूसरा प्रश्न है, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि क्या पप्पू यादव के प्रति आप लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर है? क्या पप्पू यादव एनडीए का हिस्सा बनेंगे या आप लोग उनको ही अपना हिस्सा बनाएंगे? देखिए, अगर काम के हिसाब से देखा जाए तो निसंदेह पप्पू यादव जी ने जमीन पर उतर के काम करने का काम किया है। चाहे पटना में जब जल जमाव की स्थिति हुई थी उस वक्त की बातचीत करिए या कोरोना काल की बातचीत करिए, निसंदेह पप्पू यादव जी ने जन सेवा की है। वैसी स्थिति में पप्पू जी का हम लोग हमेशा आभारी है और पप्पू जी अगर हमारे साथ भी आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि ये निर्णय जो है एनडीए के जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होंगे एक साथ बैठेंगे, एक फोरम पे बैठेंगे, तब क्या कर लेंगे। लेकिन हमारे हिसाब से अगर हमारे पॉलिटिकल पार्टी की बात माननी है, अगर हमारे दल के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो हम लोग ये मानते हैं और मेरे ख्याल से पूरा बिहार मानता है इस चीज को कि जब भी विकट परिस्थिति होती है पप्पू यादव जी जनसेवा के लिए आगे आते हैं। तो अगर वो एनडीए की तरफ आते हैं तो निसंदेह से एनडीए मजबूत भी होगा और एनडीए को बल मिलेगा। एक तरफ आप पप्पू यादव की सेवा को लेकर के बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और आप उनकी बड़ाई भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एक प्लानिंग करके उनको गिरफ्तार कराया गया, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर सरकार की तरफ से गिरफ्तारी होती है, मुकदमा होता है, तब तो हम ये मानेंगे कि शहाबुद्दीन साहब के ऊपर में जितने मुकदमे हुए सब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में हुए। तो क्या ये समझा है कि लालू प्रसाद यादव जी ने शहाबुद्दीन साहब के साथ इसका बुरा किया? देखिए, अगर मुकदमे होते हैं उस पर सुपरवाइज भी कराते हैं, ऐसा नहीं है। तो यादव जी जिस मुकदमे में वो झेल गए हैं वो मुकदमा भी आ गया लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में ही हुआ था। अरहन का जो केस है, जो फर्जी केस पर हुआ है, अब न्यायालय का वारंट का आदेश है, तो न्यायालय के आदेश को अगर सरकार पालन नहीं करिएगा तो आप ही चाहने वाले सवाल उठाइएगा कि भाई बिहार सरकार तो न्यायालय के आदेश को ठंडा दिखाती है। न्यायालय का आदेश था गिरफ्तार करना, गिरफ्तारी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन केस कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, किन्होंने मुकदमे कराए, ये पूरी दुनिया जानती है। उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे और लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में फर्जी मुकदमा हुआ। मुकदमे करने वाले इंसान ने रिपोर्ट में जाकर कहा कि हमने ये मुकदमा भूलवश किया है और आपने देखा कि जिसका अपहरण हुआ था उसकी शादी में पप्पू यादव जी भी गए थे। साफ है कि उनसे कोई विवाद नहीं था, लेकिन अब राजनीति के तहत आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कब किसको फंसा देते थे ये तो पूरे बिहार जानता है। आप एक आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पे, मतलब आरजेडी पर और लालू परिवार पर। देखिए, अगर लालू परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है ना कि पप्पू जी को हम लोगों ने फंसा दिया, सरकार ने फंसा दिया, यही कहा जा रहा है ना कि उनके बहुत सारे नेताओं ने कहा, उनके कलेक्टिव राज ने कहा कि उसी तरीके से हमको जेल भेज देगी। अरे भाई साहब, आपकी सरकार थी, कल एक राजद के विधायक का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, पप्पू जी की तरफ हमको भी सरकार गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है। भाई साहब, ये मुकदमा किसकी सरकार में हुआ था, किसने मुकदमा करवाया था, कौन बिहार का मुख्यमंत्री था, ये पूरा देश जानता है कि उस वक्त में मुख्यमंत्री कौन था। तो अगर सरकार ने फंसा दिया तो इसका मतलब है कि पप्पू यादव जी के ऊपर भी यानी ये बात आप कह रहे हैं कि अगर पप्पू यादव वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उस तरह से अगर एनडीए का हिस्सा बनना चाहें या आपके साथ जुड़ना चाहें तो आप उनका समर्थन करेंगे और उनको अपने तरफ ला सकते हैं? देखिए, एनडीए फोरम पे बातचीत होगी, लेकिन हमारे दल का पूरा पूरी सिंपैथी पप्पू जी के साथ। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।